से क्षमा करती हूँ। वे साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत प्राउड फील हुआ मुझे उन पर। हम अहमदाबाद जा रहे थे, गाड़ी में थे तो इंटरव्यू लगा लिया। बड़ा दर्दनायक इंटरव्यू जब सुना तो मेरी भी आंख से आंसू आ गए कि कितने हद तक लोग गिर सकते हैं। इतना टॉर्चर किया उसको कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, जबकि अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ। अगर 1% वो निर्दोष साबित हो गई तो क्या उसके शरीर को जो डैमेज किया गया है वो कोई दे सकता है, लौटा सकता है? इतना भयंकर टॉर्चर किया गया। एक टीवी चैनल के एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पूछा, बहुत बड़ा इंटरव्यू उनका लिया, और लास्ट में पूछा कि अभी मैं आपसे एक जाते जाते प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिसने आपकी ये हालत कर दी कि आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, आपके सर में इतना मार पड़ी कि ट्यूमर बन गई, रीढ़ की हड्डी पे इतनी मार पड़ी कि चकनाचूर हो गई, अपाहिज हो गई, अगर आज मैं उन लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहूं कि आप उनको क्या कहना चाहोगी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी, तो ऐसी बात बोली कि थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गई और एक प्रेरणा ले गई। और ये ऐसे महान आत्माएं केवल भारत में ही पैदा हो सकते हैं, भारत की धरती के ही लाल हो सकते हैं। जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जो भारत का कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन आज मैं आपके मंच से ये कह रही हूं कि जिन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया, इतना तकलीफ दी, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें क्षमा करती हूं, माफ करती हूं। कितना बड़ा दिल। हम श्री कृष्ण को झूला झूलाते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि यही उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण की जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि रहा है, जिन्हें हम अपने रोल मॉडल मानते, अपने आदर्श मानते, अपने पूज्य मानते, अपने इष्ट मानते हैं। तो एक बार विचार कीजिएगा, अगर 100 भूले माफ करने की ताकत श्री कृष्ण में है तो 10 भूले तो मैं भी माफ कर सकती हूं। Yes या no? अगर वो 100 भूले माफ कर सकते हैं तो क्या मैं 10 भूले माफ नहीं कर सकती? अपने चित्त को शांत करने के लिए, मेरे चित्त की शांति बहुमूल्य है, बातें कोड़ी तुल्य है जिनकी कोई कीमत नहीं, जो केवल 10 मिनट में अपनी जगह रखते हैं। उन कोड़ी तुल्य बातों के कारण मैं अपनी बहुमूल्य शांति को, बहुमूल्य संबंधों को खराब ना करूं। मिर्जा गालिब ने बहुत सुंदर बात कही, इस तरह मैंने अपने जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अगर इस जीवन को इंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है, तो आप तो देवों के वंशज हो। देवता ये क्षमा का गुण धारण करके रखते थे, ये दिव्य गुण है, इस गुण को हम भी धारण करें। दूसरी बात, पूंजी जमा करें, और इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य, तीनों लोकों का सबसे बड़ा महादान क्षमा दान है। इस पुण्य से हम शुरुआत करेंगे अपनी जीवन की, आज की शाम की, यही संकल्प करें। पूर्व जन्मों का तो मुझे पता नहीं मैं क्या क्या करती हुई आई हूं, लेकिन मुझे जब फॉरगेट करना है, क्षमा याचना या क्षमा दान करना है, तो इस जन्म से रिलेटेड आत्माओं से भी और जो पूर्व जन्मों से संबंधित हैं, जिनसे मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है, कड़े हिसाब किताब है, उन सब से क्षमा याचना करनी है, क्षमा दान करना है, ताकि वो भी हिसाब किताब का रूप ना बन सके। भीष्म पितामह काटो की सैया पर है, पूरा शरीर छलनी है। इस जन्म में उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें याद नहीं आता कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, केवल एक, कौरवों को साथ देने के अलावा।
अब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के नाते आज वो देह त्यागना चाहते हैं, परंतु एक अपना प्रश्न श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं। वो कहते कि बताइए, ऐसी मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे इतना लंबा समय इस काटों की सैया पर रहना पड़ा। श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्मों में ले गए, सैकड़ों साल पहले की बात है। देखो तुम्हारा उनको दिव्य दृष्टि मिल गई थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने सैकड़ों साल पीछे जाके देखा कि मैं एक राजकुमार यंग शक्तिशाली अपनी कुछ सेना की टुकड़ी के साथ शिकार खेलने जंगल में जा रहा हूं। अचानक रास्ते में एक नाग आया, अपने ताकत के बल पर उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाया और उसे झाड़ियों में डाल दिया। असंख्य कांटे उस सांप के बदन में घुस गए, उसका परिणाम तुमने ये सैकड़ों साल के बाद आज भोगा है। कर्म गति से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, इस कर्म गति को जो जाने अनजाने में मेरे से हो गया है, इन कार्मिक अकाउंट को, इन हिसाब किताब को, इन दुख रोग शोक को, हार पराजा को, असफलता को, मनमुटाव को हम खत्म कर सकते हैं क्षमा मांगकर। मुझे याद आ रहा था कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, कुछ कैदी जिनमें बहुत परिवर्तन आ गया, कुछ उनके जो वहां के डिपार्टमेंट पुलिस होती वो भी कुछ सर्टिफिकेट देते, वो भी एप्लीकेशन राष्ट्रपति को लिखते हैं कि हमें माफ किया जाए, हमें अपनी गलती बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई, हम जीवन में दोबारा इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्षमा याचना का पत्र लिखते हैं। और राष्ट्रपति इन शुभ दिनों पर किसी किसी की क्षमा याचना स्वीकार कर लेते हैं, और जैसे ही क्षमा याचना स्वीकार होती है तो सजा खत्म। तो पता चला क्षमा क्या करता है, क्या करता है क्षमा? सजा खत्म। अभी आप यहां बैठे हैं, देखिए आपका बच्चा पीछे से कोई गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, आपको फोन आ जाए कि जिस चीज के लिए आपने मना किया था बच्चे ने वही कर डाला, आपकी उग्रता 100% पे पहुंच गई, मन में तूफान चलने लगा, आज मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, आज तो उसको एक लगा के ही बात करूंगी, अच्छा उसको लेसन सिखाऊंगी, तूफान उग्रता 100% तेज कदमों से आप घर की तरफ जा रहे हो, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो उसी बच्चे ने दरवाजा खोला जिसने मिस्टेक की थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने कान पकड़कर बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। खुद प्रैक्टिकल बताइए कि ये क्षमा शब्द सुनकर जो 100% उग्रता थी वो थोड़ी डाउन होगी या नहीं, वो 100 से 90 पर 80 पर आएगी कि नहीं, जो हाथ उठना था वो हाथ रुका कि नहीं, चोट लगने से बच गया। तो ये जो क्षमा है ये बहुत ही काम का गुण है हमारे लिए, जीवन जीना सिखाता है, जीवन का सुख लेना सिखाता है, परंतु अफसोस की बड़ा भारी है ये गुण, कमजोर इसको धारण नहीं कर सकते, कमजोर लोग तो बदला लेने की सोचेंगे, टांग खींचने की सोचेंगे, इस गुण को शक्तिशाली व्यक्ति ही धारण कर सकते हैं। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है क्षमा किसका आभूषण होता है, किसका आभूषण होता है क्षमा, कमजोरों का या वीरों का? वीरों का आभूषण होता है, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही क्षमा कर सकती है, क्षमा मांग सकती है। तो आज से जो हो गया मेरे से गलती, अगर इस जीवन को सुखी रखना है, कर्म भोगों से बचना है, कष्टों से बचना है, तो मन ही मन क्षमा दान दीजिए, क्षमा मांग लीजिए।